देश भर का जैन समुदाय आक्रोशित है, वो आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ जो झारखंड में उनके खिलाफ रचा जा रहा है। आज से नहीं, झारखंड में फरवरी 2019 को उस वक्त की भाजपा सरकार, रघुवर दास की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें समेत शिखर, जो जैनियों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, उसको तीर्थ स्थान के स्थान पर पर्यटन स्थान बनाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसके बाद ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, मोदी सरकार का नोटिफिकेशन है, लगातार ऐसे कदम उठाए गए जिससे जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों को उनसे छीनने का षड्यंत्र हो। गुजरात में यही हुआ, गिरनार के पर्वतों पर यही हो रहा है, और तो और शत्रुंजय पर्वतों पर वहाँ भी यही हो रहा है। गुजरात में भी हर शहर में जैन समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसी षड्यंत्र की वजह से जैन समुदाय की ना केवल को अनसुना कर रही है, लेकिन उनसे उनको कमज़ोर करने की एक साजिश कर रही है। उनके पुराने प्राचीन तीर्थ स्थान हैं वो छीने जा रहे हैं, उनको कमज़ोर किया जा रहा है इस समुदाय को। हम कांग्रेस पार्टी जैन समुदाय की इस मांग में उनके साथ खड़े हैं, उनके इस अहिंसक आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। अभी दो दिन पहले ही एक ऋषि ने, एक मुनि ने अपने समाधि ली इसी मांग को करते हुए। हम पूरे समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें, और समेत शिखर जी का जो स्थान है जैनियों के मन में, उसका आदर करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लें।